हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक खूबसूरत सा नेक पैटर्न जिसे आप किसी भी लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के फ्रॉक में या कार्डिगन में डाल सकते हैं। इससे आप स्टॉल शॉल या शक बनाइए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें दो के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो आप दो के मल्टीपल में कितने भी फंदे ले सकते हैं और लास्ट में एक फंदा ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने इसमें 11 फंदे लिए हैं, दो के मल्टीपल में 10 फंदे और एक फंदा ऐड कर दिया है तो हो गए हैं 11 फंदे। तो मैंने इसमें 11 फंदे लिए हैं। डिज़ाइन 4 लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है, मैंने इसमें 2 लाइन का बॉर्डर बना लिया है और अब हम डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम या तो सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और एक बार ऐसे सिलाई में इसे लपेट लेंगे और अब दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में तुराना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। ऊन को सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक। फिर से रिपीट पैटर्न, उनको सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक। ऊन सिलाई में लपेटा, दो फंदों को एक साथ लिया और उल्टा बुनते हुए दो का एक। ऊन सिलाई में लपेटा, दो फंदों को एक साथ लिया, उल्टा बुनते हुए दो का एक। तो दो का एक करने से फंदे घट रहे हैं और सिलाई में ऊन सिलाई में लपेटने से एक फंदा बढ़ जा रहा है, यानी न एक भी फंदे घटे न एक भी फंदे बढ़े, हमारे जितने फंदे थे वापस उतने ही फंदे हो गए। तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, तो ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। हर उल्टी लाइन में सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो इस तरह हमने अपना दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तीसरी लाइन और सामने से तीसरी लाइन में हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और एक और फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे और एक बार सिलाई में ऐसे लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे। फिर यहाँ से हमारा पहला लाइन स्टार्ट हो जाएगा। दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब दो फंदों को छोड़कर इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। ऊन को अपनी तरफ करना है, दो फंदों को एक साथ लेना है और उल्टा बुनते हुए दो का एक। ऊन को सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाना है, दो फंदों को एक साथ लेना है और उल्टा बुनते हुए दो का एक। ऊन सिलाई में लपेट कर वापस अपनी तरफ लाना है, दो फंदों को एक साथ लेना है, उल्टा बुनते हुए दो का एक करना है। अब देखिए लास्ट फंदा है, सिंगल फंदा है, तो उन दूसरी ओर इसे हम सीधा बुनेंगे। थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन स्पष्ट होने लगा है। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। चौथी लाइन और रॉन्ग साइड, सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। डिज़ाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं चारों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। देखिए फ्रेंड्स,
चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है, दो फंदे का और चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।